कार्यक्रम देखैया जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार। संगी हो छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कही थे, काबर की छत्तीसगढ़ में धान के भरपूर पैदावार होते। यहाँ के किसान भाई मन हा किसिम किसिम के धान के प्रजाति के खेती ल करके भरपूर पैदावार लेते संगी हो, और धान के उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ला एक अलग पहचान बनाए हैं। फिर संगवारी हो आजकल आधुनिकता के जमाना है, और आधुनिक जमाना में खेती किसानी के तौर तरीका ला घलो बदलना जरूरी हो गए है। कहे के मतलब है संगी हो आजकल आधुनिक विधि और उन्नत तकनीकी ला अपना के हमर किसान भाई मन खेती करही तो निश्चित रूप ले एकर ले उत्पादन ला दुगुना मिल सकत है, अपन आमदनी ला बढ़ा सकत है। तो किसान भाई हो धान के खेती ला हम आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के कैसे सुगढ़ ढंग ले करबो, आओ देखन और जानकारी। विगत कुछ वर्षों से मानसून की अनिश्चितता, अनियमितता एवं विलंबता के कारण छत्तीसगढ़ के अधिकतर किसान सीधी यानी खुर्रा बोनी विधि से धान की खेती करने लगे हैं। चूंकि धान छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, जिसे अब तक बियासी या रोपाई विधि से खेती करते आ रहे थे, खुर्रा बोनी को जून के द्वितीय सप्ताह से 30 जून के मध्य खेत की अच्छी तैयारी करके लगाते हैं। अंतिम जुताई के समय किसान अपने यहाँ उपलब्ध घुरवा गोबर खाद को खेत में मिला देते हैं। इसके पश्चात मानसून की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सूखे खेत में धान की बुवाई, छिड़काव या कतार विधि से बुवाई करते हैं। वर्षा न होने की स्थिति में जिनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो सिंचाई कर सकते हैं, और सिंचाई के 3 दिनों के अंदर फसल के अंकुरण पूर्व पेंडी मेथिलीन की मात्रा 1.0 से 1.2 किलोग्राम व्यावसायिक उत्पाद प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके निदा का नियंत्रण किया जाता है। जिनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो वे वर्षा होने के 3 दिन के अंदर ये प्रक्रिया अपनाते हैं। धान के खेती ल अक्सर में है खुर्रा बोनी ज़्यादा करता हूँ। खुर्रा बोनी में कार्य थे बोनी कर दे और मौसम जैसे भी उपयुक्त है, इस पानी गिरीस तो उग जाते। उकर बाद हम निंदनाशक जन आते साथी वगैरह तेल ला डाल देते हैं, और जहाँ पानी गिरीस तो ब्यासे नहीं करन हम वाला सीधा गांव के जन जानवर है टेकर से पूरा वाले एक परत ब्यासी के रूप में वाला मचाई करवा देते हैं। मचाई करवाए के बाद फिर अपन खाद वगैरह जिन भी डालना है वो अपन डालते हैं, और दूसर जानवर से खुदाए ले होते कि जिन नींदा छोटे छोटे उगे रही थे वो जानवर के पैर में दब के ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी यदि वो धान के कटाई वटाई होते थे अभी, और एक उत्पादन है अभी फिलहाल हमला 24 क्विंटल के आसपास, 24-25 क्विंटल के आसपास एकर उत्पादन मिला थे हमला। फसल जब 25 से 30 दिन की होती है तब 20 पायरीबैग सोडियम की मात्रा 100 ग्राम व्यावसायिक उत्पाद के छिड़काव करके नीदा से पूर्ण निदान पा सकते हैं। बीज बुवाई के समय ही नत्रजन की 40 से 50 किलोग्राम, फास्फोरस की 40 से 50 किलोग्राम, पोटाश की 30 से 40 किलोग्राम एवं 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करते हैं। उर्वरक की मात्रा धान की किस्मों पर निर्भर करता है। नत्रजन की शेष आधी मात्रा को कण से आते समय एवं गभोट आने की अवस्था में बराबर मात्रा में छिड़काव करके उपयोग करते हैं। जैसा कि इस साल वर्षा की स्थिति थी, एक तरीके से बारिश नहीं हुई थी, शुरुआत में बारिश नहीं होने के कारण किसान काफ़ी सारे किसान या तो बोनी का काम नहीं कर पाए थे या उन्होंने देरी से बोनी की। दूसरी वजह ये थी कि ना तो हमारे पास पानी था, हमारे ट्यूबवेल्स में पानी नहीं होने के कारण जो रोपा लगता था वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। लोगों ने यदि रोपा भी लगा दिया था तो उसकी उम्र इतनी बढ़ गई थी कि वो रोपा जिस समय बारिश हुई उस समय रोपा लगाने की स्थिति नहीं थी। दूसरी वजह ये थी कि ब्यासी का की जहाँ तक बात है, जब तक बारिश नहीं होती है ब्यासी का भी काम यहाँ पर नहीं होता है,
तो इसको ध्यान में रखते हुए जो खुर्रा पद्धति है ये छत्तीसगढ़ की एक इस्टेब्लिश्ड पद्धति है, ये काफ़ी ज़माने से हो रही है, कोई नई पद्धति नहीं है। परंतु इसका एक तरीके से उपयोग किसान अब इसको समझने लगे हैं, जो अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसके कारण मौसम शिफ्ट हो रहा है। आपने जैसा देखा होगा कि पहले जो 15 जून के आसपास बारिश चालू हो जाती थी छत्तीसगढ़ में, वो धीरे धीरे करके अब जून के अंतिम सप्ताह तक पहुंच गया है। अर्थात ये कहने का मतलब यह है कि बारिश की जो शिफ्टिंग हुई है उसके अकॉर्डिंगली हमको अब खेती करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक खुर्रक पद्धति की बात है, ये छत्तीसगढ़ में काफ़ी पहले से हो रहा है और इस पद्धति में कुछ साइंटिफिक चीज़ें हम लोगों ने जोड़ी है। जैसे कि अब खुर्रा पद्धति में मैं आपको बता दूं कि इसमें ना तो बियासी करने की ज़रूरत है ना ही रोपा लगाने की ज़रूरत है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ही बारिश चालू होती है, मानसून आता है, और उस समय हम खेत को तैयार करते हैं। खेत को तैयार करने के बाद आप चाहें तो छिड़क करके बीज बो सकते हैं, या फिर आजकल सीड ड्रिल का उपयोग हो रहा है। एक इंक्लाइन प्लेट प्लांटर हम लोगों ने यहाँ से विकसित किया है जिसमें कि केवल 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता होती है और ये कतार में बोता है, और इसके साथ ही साथ प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यानी पौधे से पौधे की दूरी को भी हम मेंटेन करते हुए चलते हैं। अर्थात ये है कि यदि मान लो आप कतार में बोते हैं तो एक तो सूर्य का प्रकाश अच्छा मिलता है, पानी अच्छी तरह से मिलता है, इसके अलावा जो खरपतवार नियंत्रण है वो हम एक तरीके से केमिकल्स की सहायता से, साथ ही साथ यदि मान लो ज़रूरत है तो हम उसको मैकेनिकल वीडर की सहायता से कर सकते हैं। खुर्रा बोनी हेतु कृषि अभियांत्रिकी संकाय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा मानव चलित, बैल चलित एवं ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र विकसित किए गए हैं, जिसमें प्रमुख है पैडी ड्रम सीडर मानव चलित, इंदिरा सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल पशु चलित, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल ट्रैक्टर चलित, इनक्लाइड प्लेट प्लांटर ट्रैक्टर चलित। इन मशीनों की सहायता से धान को कतार में बोया जाता है। छत्तीसगढ़ की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कृषक कार्य कर रहे हैं, और ऐसे कई समूह हैं, कई व्यक्ति इस तरह के हैं जो कई दशकों से इस जैव विविधता को संजो कर रख रहे हैं। विश्वविद्यालय ने इनकी पहचान की और इनके द्वारा की गई मेहनत का पुरस्कार किस तरह से इनको मिले उसके कारण एक ये प्रयास किया, जिससे इनका चिन्हांकन भी हुआ, इनका एप्रिसिएशन भी हुआ और इनको पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। साथ ही इन प्रजातियों को हमने विश्वविद्यालय में भी संग्रहित किया है, संरक्षित किया है, और इनको किस तरह से आगे बढ़ाकर किसानों के उपयोग के लिए बाहर लाया जा सकता है, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाए ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए, ए, बी, बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है, अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ, एसी एबीसी यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर।
आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशु पालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। बीज एवं खाद की मात्रा कम लगती है। खाद एवं बीज एक ही स्थान पर गिरने से पौधों की बढ़वार ठीक होती है। किसानों के बीच इंक्लाइन प्लेट प्लांटर काफी लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि इस मशीन के द्वारा कतार से कतार की दूरी के साथ ही साथ पौधे से पौधों की दूरी को भी नियंत्रित रखा जाता है। इसमें इन्वर्टेड टी टाइप फेरो का उपयोग होता है, जिससे अल्प वर्षा की स्थिति में कूड़ों में वर्षा जल संरक्षित रहता है, जो कि सूखे की स्थिति में भी पौधे की जड़ों को नमी प्रदान करती है। ये विधि में अगर किसान मन जो अपन पानी की व्यवस्था के सुविधा अनुसार फिर होकर सिंचाई करता, अगर जेकर यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ते किसान हा बीज बुआई के 3 दिन के अंदर पेंडीमिथिलीन दवाई जो अंकुरण से पूर्व ओला डालना चाहिए। ये लगा है कि अगर डालने से जतका भी निंदा है ओकर नियंत्रण करा थे, और जैसी फसल 20 से 25 दिन के हो जाही ओकर बाद ओला 20 पायरवेक सोडियम के 100 ग्राम जो व्यावसायिक मात्रा है तेला डालना, एकर माध्यम से निंदा के सर्वनिधान कर सकत हन। रही बात खाद की मात्रा, जैसे नाइट्रोजन की मात्रा है 40 से 50 किलोग्राम बुआई के समय, और फास्फोरस 40 से 50 किलोग्राम और पोटास 30 से 40 किलोग्राम, एकर सपो मात्रा ला बुआई के समय देना है। और नाइट्रोजन के जो 25 से 25 किलोग्राम तेला कंसाते समय देना है, फिर बाली आते समय फिर 40 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन ला देना है। एकर साथ साथ बुआई के समय में ही 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट डालना है। एकर वजह से क्या होती कि जो जिंक बीमारी आते तेकर समस्या के निदान हो जाते। और जैसे ये हमार खुर्रा विधि है, एकर बहुत सारे फायदा है। जैसे ही हम खुर्रा विधि में बुआई करथन तो समय पे बुआई होने के वजह से हमार फसल के विकास अच्छा होते, अच्छा होने के वजह से हमार पौधा मजबूत होने से ओकर कीड़ा और बीमारी के प्रकोप कम लगत थे। जहां छिटका पद्धति में धान की मात्रा 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ लगती है, वहीं इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर के उपयोग से केवल 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। खुर्रा बोनी से फायदा है कि जैसे खुर्रा बोनी बो दिए हूँ तो महोथे कहा कि पानी के जेन उपलब्धता हमार मन कर नहीं है, पानी की उपलब्धता नहीं है, एकर वजह से खुर्रा बोनी उपयुक्त है। और पानी जैसे गिरते वो हिसाब से ओकर जर्मेशन हो जाते, और रोपा पद्धति अगर रखथन अगर पानी लेट हो गए तो फिर रोपा लगाए के काम हम बहुत पिछड़ जाते हैं, ओकर से उत्पादन में फर्क आते है। और बोनी पद्धति खुर्रा पद्धति से करे ले उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़े। बाद में भी अगर पानी गिरते, अगस्त में 15 अगस्त के बाद भी अगर पानी गिरते थोड़ा बहुत पानी में अगर जिंदा रहेगी धान है तो ओकर उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़े। उत्पादन में ये है कि पहली जिन वेरायटी रही से दादा पर दादा के समय जिन करे तेरा सब देसी वेरायटी रही से सफरी गुरमटिया यो त्यो जो भी रही से वो मकारी से उत्पादन कम हुआ। अभी जो नए रिसर्च से बीज आए अभी विभिन्न प्रकार के वो उत्पादन सही आते हैं। अब बोनी भी हमन है सघन बोनी करथन बोथन तेमा, तो अभी विभिन्न किस्म के जिन रिसर्च बीज है ये मल हमन बुनी करथन, एकड़ से उत्पादन है बराबर 20 से 24 क्विंटल 25 क्विंटल तक के एकड़ में होते हैं। खर्रा बोने में फसल लगभग 10 से 15 दिन पहले पककर तैयार हो जाती है, तथा जमीन की संरचना रोपा एवं बियासी विधि की तुलना में रबी फसलों के लिए उचित होती है।
उचित समय पर बुवाई के कारण फसल की विकास अच्छी होती है तथा पौधे मजबूत होते हैं, जिसके कारण कीट व्याधि एवं रोग का आक्रमण कम होता है। इस विधि से रोपा विधि की तुलना में 25% पानी की बचत होती है। बियासी की आवश्यकता नहीं होती। पानी की उपलब्धता पर जब पौधे की उम्र 25 से 40 दिन के बीच हो तो दो बार मैकेनिकल वीडर या एक कतार पावर वीडर की सहायता से निदाई का कार्य करना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा अंबिका पैटी वीडर एक विकसित किया गया है, जिससे न केवल उसके बीच का जो कतार के बीच का जो खरपतवार है उसको हम निकालते हैं, साथ ही साथ वो मिट्टी में मिलाते हुए चलता है, मिट्टी को पोला करता है। अर्थात यदि बारिश की स्थिति आती है तो आप इस प्रकार के मैकेनिकल वीडर का यदि उपयोग करते हैं तो धान के जो जड़ें हैं वो टूटती हैं और उससे ज़्यादा कंसे निकलते हैं। तो फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी अच्छा, मतलब जैसा अपन रोपा में पौधे लगाते हैं उस तरीके से इसमें टिलर्स आते हैं और काफ़ी मजबूत पौधा तैयार होता है। तो एक तरीके से पानी पर जो डिपेंडेंसी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ, क्योंकि बारिश तो यहाँ पर इतना सामान्य तरह से यदि देखा जाए तो साल भर में जो बारिश होती है अपने छत्तीसगढ़ में करीब करीब 1200 से 1400 mm जो हम बोलते हैं वो बारिश होती ही है। तो उसको देखते हुए ये पद्धति बहुत अच्छी है। एक तो बीज की दर कम लगती है, खाद का भरपूर उपयोग होता है, साथ ही साथ जो पौधे हैं उनमें पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी को भी हम मेंटेन करते हुए चलते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि क्योंकि इसमें काफ़ी उन्नत तरीके से हम इसकी बुआई करते हैं तो बहुत सारे जो रोग आते हैं या कीड़े आते हैं या जिस तरीके की बीमारी आती है वो भी इसमें काफ़ी कम देखने के लिए मिली है। तो अभी जैसे अभी हार्वेस्टिंग का सीज़न चल रहा है और ऑन एन एवरेज जो किसानों का कहना है कि करीब करीब 24 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ उनको इससे उत्पादन प्राप्त हुआ है, जहाँ एक तरीके से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम इस समय ये सोच रहे थे कि शायद 50% भी हमारा उत्पादन होगा कि नहीं होगा। वहाँ पर ज़्यादातर किसान जो इस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं उनका करीब करीब 24 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ उत्पादन आया है। और यदि पूरे हेक्टेयर में बात करें तो करीब करीब ये मान के चलिए एवरेज में भी 6 से 7 टन का उत्पादन यहाँ पर मिला है। पहली बात यह है कि इसमें उत्पादन लागत का बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर का खर्चा है, केवल आपको बोना है, बोने के बाद आप एक तरीके से यदि जब भी पानी की उपलब्धता होती है यदि खरपतवार नियंत्रण आप कर सकते हैं मैकेनिकल वीडर की सहायता से, या फिर आप केमिकल्स का उपयोग करना चाहते हैं तो केमिकल्स का उपयोग कर सकते हैं। सीधी बानी विधि से मृदा की भौतिक दशा सही बनी रहती है, जिसके कारण मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव अधिक क्रियाशील रहते हैं और फसल को लाभ पहुँचाते हैं। रोपा विधि की तुलना में 25 से 30% ऊर्जा की बचत होती है, जैसे खेत की तैयारी, नर्सरी तैयार करना, खेत की मचाई करना इत्यादि। इस विधि में मजदूरों की बचत होती है। इस विधि से बोई गई धान 10 से 15 दिन पूर्व ही पककर तैयार हो जाती है, जिससे अगली फसल की बुवाई समय पर कर सकते हैं। रबी फसल की बुवाई के लिए खेत की तैयारी कम लागत में कर सकते हैं, क्योंकि रोपा की विधि की तुलना में जमीन नरम रहती है। इस विधि के द्वारा मीथेन का उत्सर्जन कम होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम करने में सहायक होता है। अब पैरा का ये है कि जो काट के ला के मींजते हैं इस प्रकार वो पैरा तो इकट्ठा होता है 6-11 में, ये हमारे जानवर के लिए 12 महीने के चारा के लिए हो जाते हैं। और जो हार्वेस्टर से करती है वो पैरा पूरा इकट्ठा करते हैं, या इकट्ठा नहीं कर पाते, वो खेत में पड़ी रहती है। गर्मी के दिन में जानवर जब खुली होती है, खुला होता है, तो उसको खा के वो छोटा छोटा करके वहीं पे खाद बन जाता है। जलाने का प्रथा यहाँ नहीं है, पैरा जलाने का। अब क्या है, गौठान बन गया तो क्या है, जानवर जब ओन्हारी के आते तक के ढीला नहीं रहेगा, पूरा वो गौठान के अंदर ही रहेगा और वहाँ खाना मिलेगा। इससे क्या है, हमारे ओन्हारी का फसल जो लाखड़ी है, अन्य प्रकार के जितने भी हम खेत में बोते हैं वो पूरा फसल बचेगा। नहीं तो आदमी यहाँ ओन्हारी फसल बोलना बंद कर दिए थे जानवर के वजह से। अब धीरे से इस साल देख रहा हूँ, इस साल बहुत ज़्यादा रकबा यही बढ़ा है कि ओन्हारी डालने का, लाखड़ी है, चना है, सरसों है, जो भी है वो इस साल बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा गांव में डालने के लिए, क्योंकि गौठान बन गया। गौठान में जानवर पूरा इकट्ठा रहेंगे, नहीं पहले क्या होता था, पूरा खोल देते थे, धान कटाई के बाद जानवर पूरा ढीला रहता था,
ढीला रहने से पूरा फसल नुकसान हो जाता था, तो कोई नहीं बोते हैं। इस साल बो रहे हैं, बहुत ज्यादा बो रहे हैं। उत्पादन लागत लगभग राशि ₹3,000 प्रति हेक्टेयर की कमी एवं फसल उपज में 10-15% की बढ़ोतरी होती है। वर्षा जल पर निर्भर कम होती है। किसान भाई हो, आज के अंक में बस अटके। अवैय अंक में मैं फिर ऐसा सुघर सुघर कृषि संबंधित जानकारी ला लेके आप मन संग गोड बात ला करूँ। तब तक बर्दाओ हमला विदा। जय जोहार।